लेकिन अब जरा समझिए कि ये महत्वाकांक्षाएं एक्चुअली कितनी रियलिस्टिक हैं, आंकड़ों के कितने करीब हैं, क्योंकि यहां आंकड़ों के बगैर हर तरह का सपना बेमानी है। वो सपना जिसको आंकड़ों के गणित का समर्थन हासिल हो, वही सपना असल में आने वाले दिनों में साकार हो सकता है। आज की लोकसभा जरा देखने की कोशिश करते हैं। आज की लोकसभा को अगर आप देखें तो यह कहता है यहां सीटों का गणित इन राज्यों में, खासतौर से मैं इसलिए आपको यह दिखा रहा हूं कि आप समझ पाए कि कौन से वो राज्य हैं जहां से ज्यादा सीटें, जहां ज्यादा सीटें वहां अगर आप जीते और आपकी वहां मेजॉरिटी है तो जाहिर है वहां से तय होता है दिल्ली का रास्ता। यहां पर वो सीटें देख लीजिए, वो राज्य देख लीजिए, उत्तर प्रदेश 80, बिहार 40, महाराष्ट्र 48, पश्चिम बंगाल 42, छत्तीसगढ़ 11, मध्य प्रदेश 29, कर्नाटक 28, गुजरात 26, राजस्थान 25, हरियाणा 10, गोवा 2, नॉर्थ ईस्ट 23, अन्य राज्य 200, मतलब उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, मेजरली ये वो स्टेट्स हैं। अगर आपको दिल्ली की अपनी राह को प्रशस्त करना है तो इन राज्यों में जीत के बगैर ये मुमकिन नहीं है। आइए आप देखते हैं दीदी की नजर दिल्ली पर, लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा। राज्य देखिए, लोकसभा सीटें देखिए और उसके लिए फील्डिंग क्या की जा रही है। जिन जगहों पर वजूद है, अपना वजूद है, वहां तो जाहिर है ताकत है, लेकिन वो जगह जहां अपना वजूद नहीं, वहां यूपीए के साथ शामिल रही वो पार्टियां जो कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस के अलावा बाकी सबको अपने धड़े में लाने की कोशिश, और वो मजबूती कहां से मिल सकती है। राज्य क्या है, लोकसभा सीटें कितनी है और कैसी फील्डिंग की जा रही है। पश्चिम बंगाल 42 अपने बूते पर, यहां इन 42 का ध्यान रखा जा सकता है। महाराष्ट्र में 48, इसीलिए उद्धव पवार के साथ ये मीटिंग, ये सेटिंग, ये पार्लेस देखी जा रही है। बिहार में 40, तेजस्वी पर दांव, हर मौके पर मुलाकात हुई है और तेजस्वी भी यहां कुर्बत दिखा रहे हैं। गोवा 2 सीटें हैं, कांग्रेस नेता लुई जिनो को इसीलिए साधा गया है। नॉर्थ ईस्ट में 23 सीटें, 14 कांग्रेस नेताओं को जोड़ा गया है यहां। और हरियाणा में 10 सीटें, अशोक तंवर को अपने खेमे में लाया गया है इसी बात को देखते हुए। अब लेकिन अगर इन सबको आप जोड़ लें, अपने बूते की 42 जोड़ लें और बाकी सहयोगियों की बूते की नीचे वाली सीटें जोड़ लें, तो जो कुल आंकड़ा होता है वो तो होता है 165। अब अगर ये 165 होता है तो 545 में हाफवे मार्क सबको पता है। अब ये अगर ये कम पड़ेंगे तो ये सपना कितना साकार होगा। अब जरा ये देखिए टारगेट क्या है, इसको अचीव कैसे किया जाएगा। दिल्ली पर अगर दीदी की नजर दिल्ली के तख्त पर है तो 165 के लिए इन्होंने अपने बूते और अपने सहयोगियों के बूते फील्डिंग कर ली, बाकी बचती हैं हाफ वे मार्क के लिए 108, क्योंकि बहुमत है हाफ वे मार्क 273। अब जरा कुल सीटें देखिए, 545, 273 हाफ वे मार्क, 108 बाकी है, 165 की सेटिंग हो गई। तो ये 108 कहां से आने वाली है, सवाल ये है। ये 108 जो हिंदुस्तान में सनातन परंपरा में 108 बड़ा ऑस्पिशियस फिगर होता है, श्री श्री 108, ये 108 कहां से जुगाड़ होगा। दीदी का गणित इस बारे में क्या कहता है। कांग्रेस शासित राज्यों में असंतुष्ट नेताओं पर निगाह रखी जाए, कांग्रेस अगर कहीं मजबूत नजर आती है तो उसको छेड़ा ना जाए, लेकिन कांग्रेस जहां कमजोर है लेकिन वो अपने आप को मजबूत मानकर चलती है, वहां उसके खेमे के लोगों को अपनी तरफ लाया जाए, कांग्रेस से गठबंधन वाली पार्टी के साथ लाने की कोशिश। यूपीए में वो पार्टियां जो यूपीए में कहीं कदरन किनारे रही आई, लेकिन अब वो ममता के साथ आकर एक नई पहचान और नए तरीके से काम कर सकती है, उनको अपने साथ लाया जाए। तृणमूल कांग्रेस को पूरा भरोसा है कांग्रेस कमजोर हो गई है और इसीलिए ये हमला आप देख रहे हैं, जिसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस में अब मोदी का मुकाबला करने की ताकत नहीं रह गई है। उसके लीडर जमीन में काम करने के बजाय विदेश घूमने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं और मोदी के सामने तीसरे मोर्चे को खड़ा करने की यह कवायद चल रही है। तीसरे मोर्चे के नेतृत्व के लिए बाहर से, बंगाल से बाहर दीदी निकली और उनका कहना यह है कि मुझे निकलना पड़ा क्योंकि जो ये कर सकते थे वो कर नहीं रहे थे, लिहाजा मुझे ये काम करने के लिए आना पड़ा। लेकिन ममता के मन में क्या है, अब ये समझना है कि ममता के मन में क्या है। अगर आप उनकी इन बातों को ध्यान से सुन पाए, बातों के बीच में उसके निहितार्थ को समझ पाए, तो समझ जाएंगे ममता के मन में क्या है। सुनिए, आपको लगता है कि शरद जी को अब यूपीए का नेतृत्व करना चाहिए, चेयरमैन बनाना चाहिए? क्या यूपीए, अभी यूपीए नहीं है, यूपीए क्या है? हमको क्या है इधर उधर जाने के लिए,
दूसरी बात यह है अगर कोई कुछ करते ही नहीं है आधा टाइम आप विदेश में रहो तो पॉलिटिक्स कैसे होगा कि आज जो परिस्थिति चल रहा है देश में जैसा फैसिज्म चल रहा है इसको खिलाफ में एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव फोर्स बनाना चाहिए। अकेला कोई नहीं कर सकता है, जो स्ट्रॉन्ग जिधर में आए उसको लेके करना पड़ेगा। बेसिकली सरोज जी इज द सीनियर मोस्ट लीडर, बहुत दिन से हम सरोज जी का साथ में काम किया है, इसी के लिए मैं सरोज जी को साथ पॉलिटिकल कार्टिसी और डिस्कशन करने के लिए आई हुई है। खेला होएगा छे ना खेला हो गए अबार खेला हो गए एंड 24 इट इज द ईयर मार्किंग फॉर खेला हो गए। अरी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखे, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहे। इस काम में टीवी 9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए टीवी 9 डिजिटल।